जय माता दी। तो आज है चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन, मतलब कि अष्टमी। और आज हम अष्टमी में पूजा करते हैं कन्या पूजन। उसके लिए हम प्रसाद बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे काले चने बॉईल करके रख लिए हैं। आज प्रसाद में काले चने, हलवा और पूरी बनेंगे। पूरी के आटे के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, जिसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे मोइन के लिए, ताकि पूरी क्रिस्पी बने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से मोइन कर लेंगे, ऐसे मसल मसल के, ताकि जो तेल है अच्छे से मोइन हो जाए। और फिर इसे पानी से अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। तो आटा यहाँ पे मैंने अच्छे से गूंद लिया, और इसे मैं गीले कपड़े से कवर करके थोड़ी देर रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं हलवा बनाऊंगी। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, 1/4 कटोरी सूजी और ऐड कर रही हूँ। कटोरी का हिसाब इसलिए रखेंगे क्योंकि हम उसी हिसाब से इसमें चीनी और पानी का हिसाब रखेंगे। अब हम इसे अच्छे से धीमी आंच पर भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन भून गई है। हमें ऐसा ही कुछ कलर चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे। चीनी जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी लगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, कहेंगे जय माता दी, जय माता दी। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे जब तक कि हलवा अच्छे से बन नहीं जाता। अभी हलवा बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा बादाम ऐसे गार्निश कर देंगे। अब हम काले चने बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डालना शुरू करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है ये, अबाउट टू टेस्ट सॉल्ट। अब हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें काले चने ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। जय माता दी, जय माता दी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और थोड़ी देर भूनने देंगे, और फिर चने भी रेडी हो जाएंगे। अभी हम फटाफट से पूड़ी बना लेंगे। अभी हम नारियल को प्रसाद के लिए तोड़ लेंगे, और प्रसाद बिल्कुल रेडी है। मैंने माता जी को प्रसाद चढ़ा दिया है। जय माता दी। मैं कंजकों के पूजन के लिए प्रसाद बॉक्स रेडी कर लूँगी। इसमें मैं हलवा और चने डाल के थोड़ा सा नारियल रखूँगी। अब मैं बैग्स रेडी करूँगी, इसमें हलवा, चने का प्रसाद, चिप्स, बिस्किट, जूस और चॉकलेट डाल दिया है मैंने। कन्या पूजन हो गई है। जय माता दी। होप यू लाइक द वीडियो।